जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आते जा रहा है, तिथि को लेकर लोग बैठक करते नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत मौजूद हैं। हम जानेंगे उनसे कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में कि आखिर क्या चल रहा है झारखंड में और हजारीबाग लोकसभा में कि क्या है जो इनकी चुनावी रणनीति अब हजारीबाग में रुख कर रही है। हम बात करेंगे देवशरण भगत जी से। आखिर आज हजारीबाग में बड़ी बैठक की जा रही है लोकसभा स्तरीय, किस लिए? देखिए, हजारीबाग लोकसभा स्तर पे जितने भी विधानसभा है, पार्टी ने केंद्रीय स्तर से संगठनिक रूप से सभी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है, सभी प्रखंड के प्रभारी बनाए गए हैं, सभी प्रखंड प्रभारी और विधानसभा प्रभारियों की आज समीक्षा बैठक थी। जब इनको प्रतिनियुक्ति दी गई, मैंने दायित्व दिया गया, तो दायित्व बोध तो होना चाहिए। तो सभी प्रखंड प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने प्रखंड के क्षेत्र में संगठन का विस्तार चूल्हा प्रमुख तक पहुँचना है। उससे पहले ग्राम प्रभारी के बाद चूल्हा प्रमुख। पार्टी का, क्योंकि संवैधानिक रूप से हमने महाधिवेशन में तय किया है कि पार्टी का सबसे निचला यूनिट चूल्हा प्रमुख होगा, क्योंकि आजसू पार्टी राजनीति से ज़्यादा परिवार के बारे में चिंता करती है, झारखंड के हर परिवार के साथ जुड़ना चाहती है और उसके लिए 10 परिवार को मिला करके हम चुनाव प्रमुख बनाते हैं, जिसके माध्यम से उस 10 परिवार के सुख दुख से लेकर के उनके हर चीज़ों की जानकारी पार्टी को रहती है। सर, बड़ा सवाल है कि आपका सम्मेलन जो होने वाला है लोकसभा स्तरीय, तो कहीं ना कहीं हजारीबाग आपकी दावेदारी बनती दिख रही है। चुनाव लड़ना और दावेदारी करना, उससे सबसे पहला जरूरी है आपका संगठन को मजबूत करना। मजबूत होंगे तो मजबूती के साथ आप एक साथ चलेंगे। आजसू पार्टी ने संगठनिक तौर पे रांची लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा, अन्य लोकसभा में भी संगठन का विस्तार नीचे स्तर से कर रही है। गठबंधन में कौन सीट में कौन लड़ेगा, किस सीट में कौन पार्टी लड़ेगी, कौन कैंडिडेट होगा, ये केंद्रीय स्तर से तय होगा। लेकिन स्पष्ट है कि हम NDA गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और 14 में से 14 सीट जीतेंगे। सर, एक बड़ा चेहरा चंद्रप्रकाश चौधरी को देखा जाता है और बड़ा जोर शोर से चर्चा भी चल रहा था कि गिरिडीह लोकसभा से हजारीबाग लोकसभा की ओर आज से रुख कर रहा है और प्रत्याशी के रूप में चंद्रप्रकाश चौधरी जी को देखा जा रहा है, तो आजसू इसमें कितना मजबूत है, स्टैंड क्लियर करना चाहती है कि क्या हजारीबाग आजसू लड़ेगी? मैंने पहले ही कहा कि कौन सीट से कौन लड़ेगा और कौन पार्टी कहाँ खड़ा करेगा, ये केंद्रीय स्तर से तय होगा। ये कोई समाचार माध्यम से तो तय नहीं होगा कि फलना को फलना जगह लड़ेगा। हम ये भी कह सकते हैं संगठन हमारा तीनों जगह पे काफ़ी मजबूत है और चंद्रप्रकाश चौधरी हमारे ऑलरेडी केंद्रीय हमारे सांसद हैं। आपने अभी केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत को सुना है, जिन्होंने कहा है कि अब गिरिडीह ही नहीं, गिरिडीह, हजारीबाग और रांची लोकसभा क्षेत्र पर भी आजसू अपना दावेदार बैठा सकता है और लोकसभा चुनाव में NDA गठबंधन के तहत 14 से 14 सीट जो झारखंड के लोकसभा क्षेत्र के हैं वह जीत सकती है और 14 का जो लोकसभा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने की भी तैयारी की जा रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ समाचार प्लस से सुबोध कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, हजारीबाग।